हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मास कम्युनिकेशन में आने वाली इम्पोर्टेंट थ्योरीज के बारे में। दोस्तों कम्युनिकेशन के अंदर कोई ऐसी बुक नहीं है जिसके अंदर सारी की सारी थ्योरियाँ हमें देखने को मिल जाए। हमें सभी बुक्स से कुछ ना कुछ थ्योरी इकट्ठी करके करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लगभग सारी थ्योरीज के बारे में बताऊंगा जहाँ तक मैंने इकट्ठी की है। और मैं आपको एक बात पहले बता देता हूं दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है लंबी, तो अगर आपका मन करे तो ये देख लेना, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि उन थ्योरीज के बारे में जो पेपर में आती है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आप जैसे देख सकते हो दोस्तों, मैंने 2012 से लेके 2017 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर आए उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अब हम बात करते हैं थ्योरीज के बारे में जो आती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है जो लगभग सारी थ्योरियाँ इसके अंदर है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मेरी लिखाई शायद आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, अगर आप वीडियो छोड़ना चाहे तो छोड़ देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसे नॉलेज लेनी है वो ले लेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी आती है वाटर लीप मैन की, ठीक है। और ये किसके ऊपर है दोस्तों, ये एजेंडा सेटिंग के ऊपर है। सबसे पहले जो एजेंडा सेटिंग की जो थ्योरी दी थी, जो कॉन्सेप्ट दिया था, वो वाल्टर लीप मैन ने दिया था, ठीक है। और इन्हीं ने स्टीरियोटाइप की अवधारणा भी दी थी। और इसके बारे में दोस्तों, स्टीरियोटाइप के बारे में कि ये अवधारणा किसने दी, वाल्टर लीप मैन ने दी थी। और इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन आया है, पहले आया, दो बार क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो पब्लिक ओपिनियन लिखी थी, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसकी आपको पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब जो अगली आती है दोस्तों, एलिजाबेथ न्यूमैन की आती है, वो साइलेंस थ्योरी होती है, मौन का आवर्त जिसे कहते हैं। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पेपर के अंदर आई हुई है, ठीक है। दोस्तों मैं ये आपको सारी चीज़ नहीं पढ़ा रहा, यह आप यहाँ से वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताने लग गया तो ये वीडियो घंटों में चली जाएगी, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि कम समय में हमें ज़्यादा जानकारी मिल सके। अब देखिए दोस्तों, अगली आते हैं इल्हुकट्स एंड लेजर फील्ड की आती है, पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी आती है दोस्तों, पर्सनल इन्फ्लुएंस और टू स्टेप फ्लो थ्योरी आती है दोस्तों, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगला आती है दोस्तों, इवर्ट रोजर की डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, और इससे कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे नवाचार के नाम से, नवोन्वेषण के नाम से। तो दोस्तों ये काफ़ी बार आता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया है कई बार, ठीक है। और मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी भी इसे कहते हैं। और अगला आता है दोस्तों, फ्रिट्ज हाइडर की बैलेंस थ्योरी, इसके बारे में भी आया दोस्तों, क्वेश्चन आया है। और इसे कहते हैं संज्ञान सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है दोस्तों इसे। और अगली जो आती है दोस्तों, वो है ओसगुड की कंग्रेंट थ्योरी दोस्तों। और उसके बाद है न्यूकॉम की सिमिट्री थ्योरी, यानी कि ए बी एक्स की जो थ्योरी है, उसके अंदर इस तरह से ट्रायंगुलर बना के दिखाया होता है। तो दोस्तों अभी मैं केवल थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बाद में डिटेल में बताऊँगा अगली वीडियो में कभी, ठीक है। और अगली जो आती है दोस्तों, लियोन फेस्टिंगर की आती है संज्ञानात्मक असंगति, ठीक है दोस्तों। और ये संज्ञानात्मक असंगति है, और एक होती है संज्ञानात्मक ज्ञान, यानी कि वो अलग है, ठीक है, वो तो उसमें थोड़ा आप डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब अगली आते हैं दोस्तों, डेनियल फेज का फंक्शनल अप्रोच, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था एक बार पेपर के अंदर कि फंक्शनल अप्रोच है वो किसने दी थी, तो ये दिया था डेनियल फेज ने। और इसके बाद दोस्तों जो आता है इसके अंदर, एम एल डी फ्लूर एंड वॉल रॉकेस, इन्होंने दी थी मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी, और इसे दोस्तों सिंथेसिस मॉडल थ्योरी भी कहा जाता है, और इसे हिंदी में निर्भरता सिद्धांत या डिपेंडेंसी थ्योरी कहा जाता है। इसके बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो है, ये बता देता हूँ आपको,
जॉर्ज गबर्नर, इनके ये कल्टीवेशन थ्योरी दोस्तों, ये छवि निर्माण करते हैं, यानी कि जो टीवी वगैरह होते हैं वो किस तरह से हमारे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देते हैं, कोई बात बैठा देते हैं, उसी को हम सच मानने लग जाते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों, और इसके बारे में क्वेश्चन आया है कि जो टीवी के बारे में आया था कि टीवी हिंसा का चित्रण करते हैं, वो किसने दिया था, तो जॉर्ज गबर्नर ने दिया था। ठीक है, अगला आता है दोस्तों एलिजाबेथ न्यूमैन, इसके बारे में हमने पहले भी बताया, स्पाइरल ऑफ साइंस साइलेंस। और ये भी आ गया दोस्तों वाल्टर लिपमैन। और इसके बाद में है दोस्तों लेजर फील्ड, पावर टू स्ट्रक्चरल और ये अगले का है। ठीक है, और इसमें मैकॉम्ब एंड डोनाल्ड शो, इन्होंने दिया था दोस्तों एजेंडा सेटिंग और चैपल हिल स्टडी। अब देखो दोस्तों, एजेंडा सेटिंग के बारे में इन्होंने भी बताया था, लेकिन इनसे पहले जो बताया था वो वाल्टर लिपमैन ने बताया था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना इस बात को। अब आगे आता है दोस्तों इल्हू कट्ज, इन्होंने यूज एंड ग्रेटिफिकेशन की थ्योरी दी थी, उपयोगिता एवं परितुष्टि सिद्धांत। और उसके बाद में दोस्तों ये आता है कि अनसर्ट आर हिलगार्ड, रिचर्ड सी अटिक्सन, और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अभी प्रेरणा सिद्धांत इन्होंने, यानी कि मोटिवेशनल थ्योरी इन्होंने दी थी। उसके बाद आता है दोस्तों कार्ल मार्क्स का अलगाव प्रतिकूलन सिद्धांत, और उसके बाद आता है आवर्तन सिद्धांत, ग्राहम मुर्डॉक ने इन्होंने दिया था। उसके बाद है दोस्तों ये है विलियम स्टेफन्स, ये प्ले थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसके बारे में भी दोस्तों क्वेश्चन आता है। ठीक है, और दोस्तों एक मिनट, हाँ अब ठीक है। और दोस्तों आपको जो भी कमी लगती है वो एक बार मेरे को बता देना, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। और ये दोस्तों ये नंबर गलत है, ये नंबर मेरा नंबर नहीं है, किसी और का नंबर है ये। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों प्रेस के चार सिद्धांत, फोर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में भी फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस, इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, इन्होंने दी थी फ्रेडरिक रिवर्ट, थियोडोर पीटरसन, बिलम्बर सैम, इन्होंने दी थी। और इसके बारे में दोस्तों प्रभुत्ववादी सिद्धांत, अथॉरिटेशन थ्योरी, उदारवादी सिद्धांत, लिबरेशन थ्योरी, साम्यवादी सिद्धांत, कम्युनिस्ट थ्योरी और साम्यवादी सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, तो ये दी थी। ठीक है, और इसके बारे में एक नॉर्मेटिव थ्योरी आती है दोस्तों, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं पहले ही बता रहा हूँ ये वीडियो लंबी हो सकती है, जिसका मन करे देख लेना, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों ये आती है डेनिस मैकविल की, और इन्होंने नॉर्मेटिव थ्योरी दी थी। ठीक है, और नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, जो फोर थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन थी उसके अंदर थोड़ा कुछ चीज़ें ऐड की थी। इन्होंने भी प्रभुत्ववादी सिद्धांत दिया था, यानी कि अथॉरिटेशन थ्योरी दी थी, और उन्होंने उदारवादी सिद्धांत की जगह स्वतंत्र प्रेस की थ्योरी दी थी, फ्री प्रेस थ्योरी दी थी। उसके बाद में दोस्तों सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी दिया था। फिर दिया था सोवियत मीडिया सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, प्रजातांत्रिक सिद्धांत। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यह आता है रिचर्ड हार्गट का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, यानी कि षड्यंत्रकारी सिद्धांत, जिसमें संदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता था। उसके बाद में दोस्तों ये है ये जेम्स होलोइन, इन्होंने दी थी पर्वतीकरण सिद्धांत, यानी कि रेनफोरेसमेंट थ्योरी दी थी। इसके अनुसार क्या होता है दोस्तों, जनमाध्यमों द्वारा राजनीतिक व सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। और फिर दोबारा से मार्शल मैकलोहन, इन्होंने दी थी मीडिया इज द मैसेज, माध्यम ही संदेश है, 1967 के अंदर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आता है इसके बारे में। और अंडरस्टैंडिंग द मीडिया, इन्होंने जो बुक लिखी थी, और ग्लोबल विलेज इन्होंने बताया था। ठीक है, और टीवी के इफेक्ट के बारे में भी इन्होंने बताया था। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, ये देख सकते हैं जे टनस्टॉल,
मूल्य सिद्धांत वैल्यू थ्योरी दी थी इन्होंने, और उसके बाद में दोस्तों कोलिन मेकार्थ वृत्तांत वर्णन सिद्धांत यानी कि नरेशन थ्योरी इन्होंने दी थी। उसके बाद में है ये आई गया, हमने पहले पढ़ लिया, और ये है लियोन फेस्टिंगर संज्ञान सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, और फिर चार्ल्स ऑसगुड और टेनवोम संचार का सामाजिक सुधार सिद्धांत यानी कि सोशल रिफॉर्म थ्योरी। और इन्होंने देखो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटी इन द प्रिडिक्शन ऑफ एटीट्यूड्स चेंज, दोस्तों इसके बारे में आता है कि कॉग्निटिव की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी, तो वो चार्ल्स ऑसगुड। इसके बारे में दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। और एक दोस्तों ये चीज एफ एल फेस्टिंगर, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था एक बार, इन्होंने दी थी दी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिजोर्नेस। तो दोस्तों इसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है, ये थोड़ा आप पता कर लेना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब बात आती है दोस्तों अगला जो है कि अब देखिए जो मेन चीज है वो है नोवर्ट वीवर और सैनन एंड वीवर, इन्होंने क्या दिया था दोस्तों, साइबरनेटिक सिद्धांत के बारे में बताया था इन्होंने। और ये दोस्तों इसके बारे में भी क्वेश्चन आए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। उसके बाद में दोस्तों ये अभी रिसेंट आया था नवंबर 2017 के अंदर कि सीमित प्रभाव सिद्धांत यानी कि लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी किसने दी थी, ये जोसेफ क्लेपर ने दी थी। ठीक है दोस्तों, ये यानी कि ये सारी जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद कर लेना या जैसे भी आपको करना है। अब इसके बाद में दोस्तों टिचनर डोनू ओलिन, इन्होंने ज्ञान का अंतर नॉलेज गैप थ्योरी के बारे में बताया था दोस्तों, इसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन आया था, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जैसे ये आ गया जोसेफ क्लेपर पॉल लेजरफील्ड, दोस्तों ये जो लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी थी ये दो बंदों ने दी थी, पॉल लेजरफील्ड और जोसेफ क्लेपर, और अब की बार जो आया था वो इनके बारे में बूझा हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में दोस्तों जो है बिलम्बर श्रैम, इन्होंने स्टेलगमाइट सिद्धांत दिया था। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे काई के जो किसी गुफा वगैरह के अंदर जो पानी धीरे धीरे पड़ता है और फिर उससे क्या है कि एक काई का निर्माण हो जाता है, तो इसी तरह से किसी बात को बार 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 कहने से वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। और फिर कार्ल मार्क्स ने अलगाव या प्रतिकूलन सिद्धांत दिया था, एलिनेशन थ्योरी दी थी। उसके बाद में दोस्तों ये है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में आता है दोस्तों, ये जर्मनी में है, ये थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है कहाँ पे है ये थियोडोर हर्बर्ट मर्क्यूस हॉर्किमर, ये इसके अंदर थे। और विचारों की जनसंचार में भूमिका समाजशास्त्र से लिया गया है, और ये दोस्तों ये थोड़ा लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या है कि ग्राहम मुर्डोक आवर्तन सिद्धांत पीरियोडिसिटी थ्योरी दी थी इन्होंने, और उसके बाद में विलियम स्टेफन्स, ये मैंने पहले भी बताया, प्ले थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन। और उसके बाद में दोस्तों ये कोई ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेना, क्या पता पेपर में आ जाए। उसके बाद में दोस्तों स्टुअर्ट हॉल, इन्होंने ऑब्जेक्टिविटी थ्योरी दी थी, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब दोस्तों और भी थ्योरी मैं वो दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी तरह की थ्योरी है दोस्तों कम्युनिकेशन के अंदर, ये मैंने काफ़ी बुक्स में से इकट्ठी कर करके लिखी है, और ये जितनी मैं बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आई हुई है। अब उसके बाद में दोस्तों ये है कि फर्डिनेंस डी सॉसर, इन्होंने संकेत सिद्धांत साइन थ्योरी दी थी, और इन्हें संकेत विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। और चार्ल्स पियर, संकेत में त्रिकोणीय संबंध के बारे में बताया था। तो इसके दोस्तों साइन के बारे में, साइन जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो इन्होंने चार्ल्स पियर ने संकेत का त्रिकोणीय संबंध दिया था, उसके अंदर आइकॉन इंडेक्स और सिंबल के बारे में बताया था। और उसके बाद है दोस्तों ईवर्ट रोजर, मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी दी थी इन्होंने, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये भी ये सारी चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब है रॉबर्ट मेल्टन, इन्होंने मिडल रेंज थ्योरी दी थी। उसके बाद में मैक हॉर्किनर, इन्होंने क्रिटिकल थ्योरी दी थी, और फ्रैंकफर्ट स्कूल से ये जुड़े हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों जो है
एफ डॉन्स हेलिकल नमूना, ये इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि हेलिकल नमूना के बारे में किसने बताया था, एफ डॉन्स, तो ये दोस्तों। और फिर वी आई लक्ष्मण राव ने क्या दिया था, विकासात्मक माध्यम के बारे में बताया था। के सीताराम ने कल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। और चार्ल्स मोरिस ने प्रैग्मेटिक अप्रोच के बारे में बताया था। और साइन संकेत के संदर्भ में इन्होंने बताया था। और फिर दोबारा से फ्रैंकफर्ट स्कूल आ गया, मैक्स हॉर्किमर, थियोडोर जुर्गन हेवरमास, वाल्टर वेजामिन फ्रेज, न्यूमैन, एरिक फ्रॉम, हार्वर्ड मार्कम इत्यादि ये दोस्तों, ठीक है। और ये जो है ना दोस्तों, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है ये क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित है, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों डेनियल फेज, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, मेट्रोन के बारे में बता दिया और ये बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और दोस्तों कोई भी गलत, अगर मैंने थ्योरी लिखी हुई है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और दोस्तों आप आगे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और आप सभी से एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।